नौवीं कक्षा के सभी बच्चों का हिंदी कक्षा में स्वागत। आज मैं आपको गद्य पाठ दो को पढ़ा रही हूँ। पाठ का नाम है लहासा की ओर, जो कि राहुल सांस्कृतिक द्वारा लिखित एक यात्रा वृत्तांत रचना है। लहासा की ओर पाठ लेखक सांस्कृतिक जी द्वारा लिखित है। लेखक 1929 से 30 ईस्वी में नेपाल के रास्ते तिब्बत की ओर गए थे। उस समय भारत के लोगों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक को यह यात्रा एक भिकमंगे के वेश में करना पड़ा था। इस यात्रा वृतांत में तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन किया गया है। राहुल सांस्कृतिक जी के इस यात्रा वृतांत के द्वारा हमें तत्कालीन तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। प्रस्तुत यात्रा वृतांत के अनुसार लेखक जिस रास्ते की बात कर रहे हैं वह नेपाल से तिब्बत जाने का प्रमुख मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगका का रास्ता जब अस्तित्व में नहीं आया था, तब सिर्फ नेपाल की ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक रास्ता होने के कारण सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह चौकियां बनी हुई थी। तिब्बत में यात्रियों के को अनेक कष्ट भी सहने पड़ते थे और कष्ट भी थे और कुछ आराम भी। वहां पर न जाति पाति पाई जाती है, न छुआछूत की कोई भावना है और ना ही वहां की महिलाएं पर्दा करती हैं। चोरी के डर से एकदम निम्न श्रेणी के भिखमंगों को कोई अपने घर में घुसने नहीं देता, वरना आप अपरिचित होने पर भी किसी के घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने झोली से चाय निकाल कर दे सकते हैं। घर की बहू या सास उसे आपके लिए पका देगी। इस यात्रा वृतांत में आगे लेखक के अनुसार परित्यक्त चीनी किले से जब वे आगे बढ़े तो एक आदमी रागीव मांगने के रास्ते के उद्देश्य से आया। लेखक ने दोनों चिट्ठे उसे दे दिया। उसके पश्चात तत्पश्चात वे थोंडला के पहले के अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए। उस गांव में सुमति के परिचित लोग रहते थे। सुमति लेखक का एक दोस्त था, मित्र था, जिस वजह से उन्हें ठहरने की अच्छी जगह मिल गई थी। 5 वर्ष पश्चात जब वे लोग पुनः इसी रास्ते से लौटे थे, तब वे भिखमंगे के वेश में नहीं बल्कि एक भद्र यानी कि सभ्य और सुशिक्षित यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर लौटे थे। किंतु गांव में किसी ने उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं दी थी। उन्हें गांव के किसी गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा। दूसरे दिन लेखक और उनके मित्र सुमति को डांडा धोंडला पार करना था। लेखक के अनुसार तिब्बत में डांडे खतरनाक जगह होती हैं। 16,000 फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ का अस्तित्व ही नहीं दिखाई देता। यह डाकुओं के लिए छिपने का सबसे अच्छा स्थान है। वहां डाकुओं को कोई भी पकड़ नहीं पाता। डकैत सबसे पहले हाथ लगे लोगों को मार डालते हैं। तत्पश्चात यह देखते हैं कि संबंधित व्यक्ति के पास कुछ पैसे आदि है कि नहीं। वहां हथियार का कोई कानून नहीं था, जिसके कारण लोग लाठियों के स्थान पर पिस्तौल और बंदूक लिए घूमा करते थे। लेखक को डाकुओं से भय नहीं था, क्योंकि वे लोग भिखारी के वेश में थे।
जहां कहीं उन्हें डाकू या वैसी सूरत होने का आभास होता था, वे लोग तुरंत मांगना आरंभ कर देते थे। लेखक और उसके मित्र सुमति का अगला लक्ष्य लंकोर था, जो कि लंकोर से 17 मील का था, दूरी पर था। लेखक ने अपने मित्र सुमति से कहा कि लंकोर के लिए 2 घोड़े कर लेते हैं, सामान भी रख लेंगे और चढ़े भी चलेंगे। दूसरे दिन दोनों घोड़ों की सवारी करके डांडे की ओर चले गए और वहां दोपहर तक पहुंच गए थे। वे जब डांडे पहुंचे तो समुद्र तल से लगभग 17,000-18,000 फीट की ऊंचाई पर थे। वहां उन्हें बिना किसी बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे। डांडे के सबसे ऊंचे स्थान पर वहां के देवताओं का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से उसे सजाया गया था। वापस उतरते समय लेखक का घोड़ा सुस्त होकर धीमा चलने लगा, जिसके कारण लेखक अपने दोस्त सुमति से थोड़ा पीछे हो गए थे। आगे आने पर लेखक को रास्ते दिखाई दिए, वे बाएं की ओर 1.5 मील और चल दिए। बाद में किसी घर में पूछने पर पता चला कि लंकोर का रास्ता दाएं वाला था। वे फिर 1.5 मील वापस लौटकर सही रास्ता पकड़े, जिससे लेखक को देर हो गई। लेखक को सुमति गुस्से में मिले तथा उसने लेखक को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। 3-3 बार चाय को गर्म किया, परंतु लेखक के द्वारा कारण बताए जाने पर सुमति का गुस्सा ठंडा हो गया और वे लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहर गए। यहाँ भी उनके अच्छे शुभ चिंतक मिले थे। दोनों ने पहले चाय सत्तू खाया, फिर उन्हें रात को गर्मा गर्म थुक्का मिला। लेखक के अनुसार दूसरे दिन वे तिंडरे के विशाल मैदान में गए थे, जो कि पहाड़ों से घिरा हुआ टापू सा दिखाई देता था। इस टापू में दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम तिंडला समाधि गिरी था। वहां भी आसपास के गांव में सुमति के बहुत पहचान वाले थे। सुमति ने अपने परिचितों से जाकर मिलने की इच्छा प्रकट की तो लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंचकर पैसे देने का वादा कर लिया, जिसे सुमति ने भी स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात दोनों ने आगे बढ़ना आरंभ किया। वे सुबह जल्दी चलना शुरू नहीं किए थे, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में भी चलना पड़ रहा था। वे अपने अपने सामान पीठ पर लादकर हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, जिसके लिए वे बहाना करके लेखक को शेखर विहार की ओर चलने को कहा। लेखक के अनुसार तिब्बत की भूमि छोटे छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथों में है। अपनी अपनी जागीर में प्रत्येक जागीरदार कुछ खेती स्वयं भी करता है, जिस काम के लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाया करते हैं। खेती का प्रबंध देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए किसी राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु, जिन्हें नमसे कहा जाता है, एक भद्र व्यक्ति थे। वे लेखक से बड़े प्रेम से मिले। वहां एक अच्छा और नामी मंदिर था, जिसमें कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हैं। लेखक का आसन भी वहीं पर था। लेखक उसे पढ़ने में मग्न हो गए थे। तभी सुमति ने आसपास अपने परिचितों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने स्वीकार कर लिया था।
लेखक अपने मन में सोच रहे थे कि सुमति को लौटने में 2-3 दिन का समय लग जाएगा, परंतु वे दोपहर तक वापस आ गए थे। तिंडरी गांव वहां से दूर नहीं था। तत्पश्चात दोनों ने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। अब आपको इस पाठ को कम से कम 2-3 बार स्वयं भी पढ़ना है और पढ़कर पाठ में आए हुए सभी प्रश्नों के उत्तरों को भी सर्च करना है। धन्यवाद।